हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मिल चुका है MIUI 11 का अपडेट, MIUI 11.0.2.0 रेडमी नोट 5 में। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने मिलते हैं, साउंड से लेकर सारा कुछ UI चेंज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा साउंड आपको चेंज देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन पैनल चेंज देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो में डिटेल में बात करता हूँ इस अपडेट में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 5 के MIUI 11 की अपडेट में। तो वीडियो के एंड तक वॉच करते रहे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, Redmi Note 5 के यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। Redmi Note 5 की इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाती है इस चैनल पे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अबाउट फोन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 11.0.2.0 स्टेबल अपडेट इंस्टॉल है और यहाँ पे एंड्रॉइड ओरियो बेस पे अपडेट देखने को मिला है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिला है, 2019 दसवें महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है इस अपडेट में। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको सिक्योरिटी पैच को अपग्रेड कर दिया गया है। तो चलते हैं हम सबसे पहले चेंज की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे के पूरे आइकन्स आपकी न्यू देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं यार। देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको आइकन्स देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट को करने के बाद। यहाँ पे कैमरे के आइकन्स सारे के सारे आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करूँ मैं लॉक स्क्रीन की तो ये भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन का एनिमेशन देख सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं किस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। नेक्स्ट चीज़ की ओर चले तो यहाँ पे आप जैसे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा UI चेंज देखने हैं। वोल्टी का आइकन आपको पूरा का पूरा चेंज देखने मिला है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो आपको टॉगल्स में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ज़्यादा टॉगल्स में नहीं देखने को मिल जाते हैं, इसमें MI शेयर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, डार्क मोड तो वैसे ही नहीं देखने को मिलता क्योंकि ये ओरियो बेस पे है तो इसको डार्क मोड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉगल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ आपको एरो देखने को मिलेंगे वहाँ वहाँ आप बिना सेटिंग को ओपन किए डाटा को स्विच कर सकते हैं एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में बिना सेटिंग में जाए। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तो आप इसका भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो आपको मिल जाते हैं सेटिंग में। जैसे आप मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोर का ऑप्शन। मोर का ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कास्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, कास्ट पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक डेमोज का ऑप्शन ऐड कर दिया, हालांकि पूरा ऑप्टिमाइज नहीं किया जैसे कि रेडमी नोट 7 पर अदर डिवाइस में किया, वैसे आपको नहीं देखने को मिल जाता कास्ट स्क्रीन। तो इस प्रकार का कोई MI शेयर का भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, बस थोड़ा बहुत इन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया कास्ट को, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से नहीं किया। नेक्स्ट चेंज की बात करो तो जब ऐसे ही सेटिंग को खोलेंगे पूरे आइकन पूरे सेटिंग आपको कलरफुल देखने को मिलेंगे, जो कि यूज़र इंटरफेस आपका काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं किए गए, लेकिन आपको हर सेटिंग में अब आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। देखते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का शॉर्टकट देखने को मिला है, मतलब ये मतलब बिना बैक जाए मैं किसी दूसरे सेटिंग में स्विच कर सकता हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, अगली सेटिंग के लिए सजेस्ट करता है। तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले में हम जाते हैं तो देखते हैं क्या कुछ चेंज है। यहाँ पे कलर स्कैम्स का नाम चेंज हो चुका है और कुछ नहीं है। टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत UI में चेंज देखने को मिलेगा और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट साइज तो बता ही दिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टेटस बार का ऑप्शन। स्टेटस बार में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा परसेंट इन द आइकन, इस पर बैटरी इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखेगा नेक्स्ट टू द आइकन, इस पर क्लिक करते आपकी बैटरी परसेंटेज का साइन वो बाहर निकल जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पर ज़्यादा जगह लेता है तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, तो ये कुछ ज़्यादा कुछ मायने फीचर नहीं रखता मेरे लिए। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो मिल जाता है आपको साइन एंड वाइब्रेशन, इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने चेंजेस किया, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप बताना आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा UI चेंज देखने को मिल जाता है मुझे इस अपडेट में। देख सकते हैं पूरा का पूरा UI चेंज देखने को मिल जाता है। फोन यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं देखते हैं नेचुरल साउंड फोन एंड रिंगटोन में जाऊँगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे को UI चेंज देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये अब मेरे को रिंगटोन सेट करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल साउंड आपको स्पोर्ट देखने को मिल जाता है, हर चीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो मिल जाता है आपको नोटिफिकेशन के अंदर। जैसे नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे भर भर के कस्टमाइजेशन दे दी, हर ऐप का नोटिफिकेशन तो पूरा का पूरा बंद कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन को भी बंद कर सकते हैं। जो ऊपर की साइड से नोटिफिकेशन आते हैं उसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं एक ऐप के लिए। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन जो लॉक लगाते हैं वो वाली नोटिफिकेशन सॉरी, और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन जो ऊपर से नोटिफिकेशन आती है वो वाली नोटिफिकेशन यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वर्ड्स वाली मैं बताता हूँ, जैसे किसी ऐप पे एक लिखा था व्हाट्सएप से एक मैसेज आया तो उसके ऊपर एक एरो बन जाता था एक
मैसेज आया, दो मैसेज आया, तो वो भी आप यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा, तो ये भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी का भी नोटिफिकेशन, एक एक नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग, सारी नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो मिल जाता है आपको होम स्क्रीन के अंदर। जैसे ही आप होम स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस ऐस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलेगा ब्लर ऐप प्रीवियस का ऑप्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा, मोस्ट वेटेड फीचर मुझे यही लगा। तो ये बताता हूँ क्या चीज़ फीचर है। जैसे कि मैंने देखा था अमेजोन और कैमरा पे लगा रखा है ब्लर ऐप प्रीवियस। अब मैं टास्क मैनेजर को जैसे एनेबल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार का आपको जो कैमरे मैंने किया था पूरा पूरा ब्लर हो चुका है। मतलब आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी प्राइवेसी के लिए है, मतलब आप पर्सनल काम करते हैं अचानक से कोई आ जाता है तो उसकी प्राइवेसी के लिए है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और अपना काम निश्चिंत रूप से कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे ही। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वॉलपेपर के अंदर न्यू वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं, थोड़े बहुत एच डी वॉलपेपर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। थीम ऐप्स में मैंने बताया, थीम ऐप्स आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा यूआई चेंज देखने में लगेगा। तो ये देखते हैं इसका एनिमेशन भी आप चेंज हो चुका है, देख रहे हैं ये भी पूरा का पूरा यूआई चेंज देखने को मिलता है। वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब लाइव वॉलपेपर पर ही लगा सकते हैं, अगर आपने खुद की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है तो उसका भी, अदरवाइज आप लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसका भी यूज़ कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा ये। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो आपको वही आपको देखने को मिल जाता है 3D टच। वैसे तो ये ऑलरेडी सभी यूजर्स को दे दिया गया इस अपडेट के अंदर, जिनको नहीं मिला था वो अब सभी यूजर्स को आप 3D टच का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और किसी भी ऐप का आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास अगले के पास ब्लूटूथ है तो भी आप किसी को इसका ये भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब ऐप को डायरेक्ट आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा मुझे। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जैसे ही फेस अनलॉक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड 2D फेस डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको 2D फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस अपडेट में। अगर आपने फेस अनलॉक सेट कर रखा है तो उसको डिलीट कीजिए, एक नया फेस डाटा लगाइए, और काफ़ी फास्ट है, काफ़ी रिस्पॉन्स देता है आपको, तो डिलीट कीजिए और एक और न्यू फेस डाटा लगाइए और इसको फिर यूज कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है ये भी, तो जल्दी जाइए अपने मोबाइल की सेटिंग में और जल्दी से जाके कर दीजिए। नेक्स्ट चीज की बात करूँ, डार्क मोड आपको वैसे ही नहीं देखने को मिलता, मी शेयर ऑप्शन ये सारे अदरवाइज नहीं देखने को मिल जाते। पाई बेस पे होते हैं तो शायद तक आपको मिल जाता। बैटरी एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर अभी भी नहीं दिया गया। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ऐप्स पे क्लिक करेंगे, सारे ऐप्स वाली जो भी चीज़ सेटिंग थी सारी एक ही रो के अंदर कर दी गई है। यहाँ पे ऐप लॉक में जाएंगे थोड़ा यूआई चेंज देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हिडन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हिडन ऐप्स पहले भी था लेकिन आपको सेटिंग में जाना पड़ा था, लेकिन अब सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अब डायरेक्टली ये कर दिया गया। तो ये भी कुछ इस प्रकार का फीचर। मेन फीचर आता है यहाँ पे ड्यू लैब्स के अंदर। ड्यू लैब्स में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे लॉन्च एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज मान लीजिए मैंने अमेजोन पे ही एक ड्यू लैब्स बना रखा है, ठीक है, तो मैं अमेजोन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मुझे एक एनिमेशन दिखाएगा जो अमेजोन पे वर्क नहीं कर, कई कई बार वर्क भी नहीं करता, वापस आपको दूसरा एक नया ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर आपको दिखा देता हूँ वापस से। हम चलते हैं बैक और ऐप्स में और मैं जाता हूँ ड्यू लैब्स में। आन लीजिए मैं इसे कर देता हूँ, किसे ड्यू लैब्स करूँ, MI कम्युनिटी को कर देते हैं हम ड्यू लैब्स, ठीक है। तो ये क्रिएट हो चुका है, वापस हमने क्रिएट कर लिया, तो कई बार ये वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं इसमें देखते हैं ड्यू लैब्स का एनिमेशन देखने को मिल चुका है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा कि आपको ड्यू लैब्स का एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, इससे एग्जैक्ट पता लगता है कि ड्यू लैब्स ओपन हो रहा है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आपको ड्यूल क्लॉक का सपोर्ट देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। वैसे एंड्रॉयड पाई पे है तो आपको ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा, नहीं इसमें भी ड्यूल ऐप्स आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था। ये भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि ये तो ड्यूल क्लॉक तो कम से कम देना ही चाहिए था। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है स्पेशल फीचर का ऑप्शन। जी हाँ, स्पेशल फीचर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, गेम टर्बो और सेकंड स्पेस, ये ऑलरेडी पहले आपको देखने को मिल जाता था। गेम टर्बो थोड़ा अजीब सा, थोड़ा इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा लैगी लगता है, मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा ये, तो आप देख सकते हैं। तो हम इसे बैक करते हैं। मेन चीज़ आती है यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन। जी हाँ, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे ऑन कर लीजिए और यहाँ पे अदरवाइज छोटी विंडो में आप कोई भी चीज़ आप चला सकते हैं। व्हाट्सअप वाली जो मैसेजिंग ऐप है वो आप चला सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सअप जैसे वीचैट जैसे ये चीज़ें आप छोटी स्क्रीन में चला सकते हैं, मतलब PIP मोड या फ्लोटिंग विंडो में चला सकते हैं। इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, इसमें बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाए क्विक रिप्लाई का ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो ये आप चेक कीजिए, डेडिकेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है।
नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है फीडबैक एंड सर्विस का ऑप्शन। फीडबैक ऑप्शन ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाता था, लेकिन आपको सर्विस का ऑप्शन दिया जाता है। तो सर्विस पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्विस ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। वैसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और फीडबैक ऑप्शन ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थी किस मोबाइल की सेटिंग में चेंजेस, बाकी अदरवाइज इसमें बड़े चेंजेस नहीं किए गए। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है कैलकुलेटर ऐप में, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन। यहाँ पे जाएंगे कैलकुलेटर ऐप में तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का कुछ देखने को मिल जाएगा। अब इस पर ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एक छोटी विंडो में ओपन हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ा लैग ही बहुत है, तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार का आपको कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, ये देख सकते हैं मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ और इसको थोड़ा ऑप्टिकल भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है और कुछ नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट फीचर की बात को तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और ही कुछ यूआई चेंज किया गया है। फोन डायलर पैड में जाएंगे तो यहाँ पे पूरा यूआई चेंज देखने को मिलेगा। फोन मैसेज ऐप में जाएंगे तो ये भी पूरा यूआई चेंज देखने को मिल जाएगा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। गैलरी ऐप में बात करें तो यहाँ पिंच आउट पिंच इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जूम एंड जूम आउट कर लीजिए, खोल के नहीं दिखा सकता बस। तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर, MIUI 11.0.2.0 के रेडमी नोट 5 के अपडेट में। बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था क्या कुछ फीचर आते हैं, और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन से फीचर आपको और भी देखने को मिले, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और भी ताकि सभी लोगों को पता लगे। तो बस इस अपडेट में यही कुछ चेंज देखने को मिल जाता है और कुछ फीचर मुझे मिले हिडन फीचर, तो बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।